हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके लिए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे एनसी वेब एडमिशन 2022, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं बेसिकली, वो कमेंट कर रहे थे कि सर इसके ऊपर एक कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वीडियो बनाओ कि एनसी वेब एडमिशन कब से शुरू होगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, फ़ीस क्या रहेगी और कोर्स लिस्ट क्या है, मतलब कोर्स कौन कौन से एनसी वेब में कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आ चुकी है आपकी एनसी वेब एडमिशन 2022 न्यू एडमिशन 2022 एनसी वेब। जैसा कि आप सबको पता होगा, एनसी वेब डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये एक पार्ट है। ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो दिल्ली में स्टडी करते हैं और जो फीमेल है, मतलब जिनका जेंडर फीमेल है, जो गर्ल्स स्टूडेंट है, ओनली फीमेल, बॉयज़ इसमें अलाउड नहीं है, मेल इसमें अलाउड नहीं है, ठीक है। तो देखिए, एनसी वेब में अगर आपको एडमिशन लेना है, पहला तो जो रूल है वो है कि आप दिल्ली से बिलोंग होना चाहिए, मतलब आप दिल्ली से होने चाहिए, आपकी जो 12th पास आउट होनी चाहिए वो दिल्ली से होनी चाहिए, तो ही आप एनसी वेब में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल, सर एनसी वेब के एडमिशन कब से शुरू होंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि 1 मई से स्टार्ट होंगे। वीडियो में आपको बताया था कि आपके एडमिशन 1 मई से स्टार्ट होंगे, बट अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे अभी जाओगे तो वहाँ अब एनसी वेब का जो एडमिशन लिंक है उसको हटा दिया गया और वहाँ लिखा आ रहा है कमिंग सून, मतलब कि जो डेट्स है एडमिशन की वो जल्दी अनाउंस की जाएगी। अब देखिए, एनसी वेब में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 12th की मार्कशीट होना जरूरी है। अब ऐसे एडमिशन नहीं ले सकते, अभी तक जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो तो अभी एग्ज़ाम दे रहे 12th का, तो वो एडमिशन लेंगे कैसे। अब रही CUET की बात जो रेगुलर में हो रहा है, उसके लिए सिर्फ 10 की मार्कशीट चाहिए। जब आप क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट लगानी, जब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट एनसी वेब में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा, इसमें जो एडमिशन होगा वो मेरिट बेस होगा। तो कुल मिला के बात यही है कि जब तक आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया था तब तक तो एडमिशन मेरे ख्याल से तो स्टार्ट होंगे नहीं, ठीक है। तो अभी कमिंग सून लिखा आ गया है, मतलब कि कुल मिला के बात ये है कि 1 से 2 हफ्ते तक एनसी वेब की एडमिशन फ़िलहाल तो शुरू नहीं हो सकती। जो नई डेट है वो जल्दी अनाउंस की जाएगी, ऐसा दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा अपडेट दिया गया है। तो जो 1 मई से एडमिशन स्टार्ट होने वाले थे अब वो नहीं होंगे। साफ सीधी बात है, 12th का रिजल्ट आया नहीं, आप लगाओगे क्या? बहुत बढ़िया, ठीक, कोई बात नहीं। अब मुझे लगता है जुलाई अगस्त में ही आपके एडमिशन जहाँ तक एनसी वेब की स्टार्ट होंगे, जैसे स्टार्ट होंगे हम आपको अपडेट कर देंगे। अगर उससे पहले होंगे तो भी हम आपको अपडेट कर देंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, डीयू एनसी वेब के नाम से हमने ऑफिशियल ग्रुप भी बना रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की मैं बात कर लूँ, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। देखिए, एनसी वेब में जो एडमिशन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने 12th की मार्कशीट लगाई और आपका एडमिशन मिल गया जी, नहीं। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो जो आपके 12th के जो नंबर होते हैं उसी की कट ऑफ आपकी बनती है, मतलब जब वो कट ऑफ में अगर आपका नाम आएगा तो ही आपका एनसी वेब में एडमिशन होगा। हर कॉलेज की कट ऑफ अपने उससे होती है, मतलब कि हंसराज कॉलेज की अपनी कट ऑफ जाएगी गर्ल्स, क्योंकि इसमें गर्ल्स स्टूडेंट एडमिशन लेती है। तो आपके हाईएस्ट नंबर पे डिपेंड करता है कि एनसी वेब में आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अब मान लीजिए आप बीए प्रोग्राम करते हो, ठीक है, तो कुल मिला के आपके जिस सब्जेक्ट में नंबर हाईएस्ट रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो सब्जेक्ट मिलेंगे जो मेन सब्जेक्ट है। अब इसमें मैं अगर कोर्स लिस्ट की बात करूँ कि इसमें कितने कोर्सेज होते हैं, इसमें सिर्फ 2 कोर्सेज है, बीए और बीकॉम बस, यानी कि इसमें आर्ट्स और कॉमर्स, ना इसमें बीएससी है ना कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कुछ नहीं है, सिर्फ बीए और बीकॉम, बस ये 2 कोर्सेज है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। अगर आपको बीए करनी है, बीए प्रोग्राम करनी है तो एनसी वेब में आपका स्वागत है, बीकॉम करनी है तो एनसी वेब में आपका स्वागत है। अगर आपको बीएससी करनी है तो फिर आपका स्वागत नहीं किया जा सकता, मतलब 2 ही कोर्सेज एनसी वेब में कराए जाते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फ़ीस आपकी 3500 रुपये तकरीबन जाएगी फर्स्ट ईयर की। यह फ़ीस आपकी तब जाएगी जब आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा। फिर आपकी एक ओरिएंटेशन फ़ीस जाएगी 500 रुपये, वो मैं आपको आने वाले टाइम पे बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आपसे ये कहूंगा, अभी एडमिशन स्टार्ट होने में टाइम है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय की में जो 1 मई से स्टार्ट होने वाले थे उन डेटों को आगे बढ़ा दिया गया। फिलहाल नई डेट अनाउंस नहीं हुई है, जैसी अनाउंस होगी हम आपको बता देंगे। तो एनसी वेब एक गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट बोर्ड है, और इसमें जो कॉलेजेस आपको मिलते हैं वो रेगुलर वाले ही कॉलेज मिलते हैं। इसमें फैसिलिटी सारी रेगुलर वाली मिलती है, बट ये रेगुलर कॉलेज नहीं होता। डिग्री आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिलेगी, बट आपको जो इन्फॉर्मेशन वगैरह टीचर वगैरह सारे मिलेंगे जैसे रेगुलर को मिलती है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे एनसी वेब का एडमिशन स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, एनसी वेब से आप ग्रेजुएशन करके कहीं भी जॉब भी कर सकते हो,
आईएएस वाईएएस जो बनना हो वो भी बन सकते हो। एनसीबीएफ की पूरी मान्यता है, बस शर्त यही है इसमें सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट के ही एडमिशन होते हैं और आप दिल्ली से बिलोंग आपका होना होगा, मतलब दिल्ली से आपकी 12th पास आउट होनी चाहिए, आपका प्रोविजनल दिल्ली का होना चाहिए, मतलब आउट ऑफ स्टेट के लिए इसमें एंट्री नहीं है। और एनसीबीएफ की जो कुल सीट्स है वो 11,000 से ज़्यादा इसमें होती नहीं अंडर ग्रेजुएट में, क्योंकि रेगुलर कॉलेज में इन्हें मैनेज करते हैं, ठीक है। तो नॉन कॉलेज इसे बोला जाता है, रेगुलर जैसी फैसिलिटी मिलती है, कई ऐसे स्टूडेंट से ज़्यादा जो वहाँ से ज्वाइन है तो वो सीनियर्स हो जाएंगे आपके, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको अच्छे से गाइड कर देंगे, बाकी तो हम आपको गाइड करते ही रहेंगे। बाकी वीडियो कैसे लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो जैसे ही एनसीबीएफ एडमिशन 2022 सेशन का जैसे स्टार्ट होंगे हम आपको अपडेट कर देंगे। थैंक यू सो मच।